फटाक 30 सेकंड में खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भारत तक अब नए अंदाज में। साल 2021 खत्म होने वाला है और साल 2022 रसिया के लिए कैसे खास होने वाला है, हम बात आज इसकी करने वाले हैं। दरअसल साल 2022 में रूस के हथियारों के बेड़े में कुछ नए हथियार शामिल होने वाले हैं। ये हथियार कौन से हैं और क्या ये हथियार दुनिया को चिंता में डाल सकते हैं, हम बात आज इसकी करने वाले हैं। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल रशिया ने साल 2018 में हथियारों की कंपनियों से तकरीबन 300 बिलियन डॉलर का एक समझौता किया था। आपको बता दें कि 300 बिलियन का ये जो डॉलर का समझौता था वो हथियारों के लिए था, और आपको बता दें कि इन हथियारों की आपूर्ति साल 2022 के जनवरी महीने से ही शुरू हो जाएगी। लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन से हथियार हैं जो कि रशिया को या रशिया की सेना को और मजबूत करने वाले हैं। इस कड़ी में सबसे पहले नाम जो है आता है वो है MiG-31 फाइटर जेट को एडवांस बनाने का, साथ ही साथ उसे हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस करने का। जी हाँ, हाइपरसोनिक मिसाइल्स की चर्चा आजकल दुनिया में खूब है जब से चीन इसकी टेस्टिंग कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि रशिया अब अपने फाइटर जेट्स में इन मिसाइलों को फिट करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल MiG-31 को एडवांस बनाकर उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो ऐड की जाएगी। रशियन एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आंद्रे युदीन ने बताया था कि MiG-31 फाइटर जेट्स को KH-47M2 किंजल के साथ जो है लैस किया जाएगा। आपको बता दें कि MiG-31 जो है सोवियत संघ के वक्त का एक लड़ाकू जहाज है जिसे अब और एडवांस बना दिया गया है। आपको बता दें कि इस प्लेन को इसलिए चुना गया है क्योंकि ये आम फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले बहुत जल्दी जो है वो टेक ऑफ कर सकता है, और जो ऊंचाई ये प्राप्त कर सकता है वो दूसरे फाइटर जेट्स नहीं कर सकते। इसके अलावा MiG-31 का जो एवरेज एल्टीट्यूड है वो है 25 किलोमीटर, और आपको बता दें कि ये 2000 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को हिट कर सकता है। MiG-31 की हम खासियत की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि ये दूर से भी अपने टारगेट को बर्बाद कर सकता है, यानी कि 2000 किलोमीटर दूर से ही ये अपने टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर सकता है। लेकिन जब सोचिए कि अगर इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल लग जाए तो फिर क्या होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल खुद इतने तेज होते हैं कि उनको किसी भी रडार पे पकड़ना मुश्किल होता है। इसके अलावा उनको एंटी मिसाइल सिस्टम से भी हम नहीं पकड़ सकते हैं, तो ऐसे में ये MiG-31 कितना घातक हो जाएगा इसकी कल्पना शायद हम नहीं कर सकते। रशियन एयरफोर्स चीफ के मुताबिक डैगर जो कि Mach-10 की स्पीड से चल सकता है, यानी कि तकरीबन 12,240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये अपने टारगेट की ओर जो है वो बढ़ सकता है, और इसे कोई भी सबसे मॉडर्न एंटी मिसाइल सिस्टम भी नहीं पकड़ सकता। एक तो फाइटर जेट और दूसरा उसके साथ हाइपरसोनिक मिसाइल, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो वाकई में डेडली है। इसके बाद बारी आती है जिरकॉन की। आपको बता दें कि रूस ने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, वो भी समंदर से, और इसे खास सबमरीन के लिए बनाया गया था। लेकिन अब इसी मिसाइल को बैटलशिप्स के लिए बनाया जा रहा है, और इसकी भी आपूर्ति जल्द ही रशियन नौसेना को की जाएगी। आपको बता दें कि जो करार हुआ है उसके अंतर्गत ये खास तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल भी रशियन नौसेना को दी जाएगी। पहले इस मिसाइल को सबमरीन के लिए तैयार किया गया था, लेकिन अब बैटलशिप्स में इसे फिट करने की योजना है, जो कि साल 2022 में बिल्कुल होती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि रशियन मिलिट्री ने इसका सक्सेसफुल टेस्ट जो था वो पिछले नवंबर 2021 में किया था, और इस मिसाइल का नाम जिरकॉन है। लेकिन इस बार इसे खास तरीके से तैयार करने की उनकी तैयारी है। कहा जा रहा है कि जनवरी 2022 में रशिया के तमाम शिप्स पर इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात कर दिया जाएगा, और जो सबमरीन्स का जो प्रोग्राम था उनको लैस करने का, उसे साल 2025 तक अभी टाल दिया गया है। ये जो हथियार तैनात किया जाएगा इसकी जो स्पीड है वो है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि आवाज़ की गति से ये 8 गुना तेज सफ़र कर सकती है। मतलब सीधे तौर पर कहें तो ये किसी भी एयरक्राफ्ट करियर को आसानी से तबाह कर सकती है। खास तौर पर इसी के लिए रशिया जो है अपने बैटलशिप्स को इन मिसाइलों से लैस कर रहा है। इसके बाद बारी आती है रशिया के तीसरे सबसे खतरनाक हथियार की। आपने सुना होगा स्टिल्थ एयरक्राफ्ट, लेकिन इस बार रशिया जो है स्टिल्थ टैंक बना रहा है। इस टैंक का नाम है अर्माटा। नवंबर 2021 में रशियन मिलिट्री ने 132 T-14 अर्माटा टैंक्स के लिए डील साइन की थी। T-14 अर्माटा जो है वो चौथी पीढ़ी का टैंक है,
जो कि अपने क्लास में सर्वश्रेष्ठ है। इसकी जो खासियत है वो किसी और टैंकों में नहीं है, यानी कि ये बाकी टैंकों से अलग है, ऐसा दावा रूस करता है। ये एक ऐसा टैंक है जिसमें अगर कोई व्यक्ति से ना भी चला रहा हो तो इसे अनमैन्ड तरीके से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक ऑटोमेटिक टारगेटिंग सिस्टम लगा है जो कि टारगेट को अपने आप देख लेता है, उसे परख लेता है और उसे खत्म भी कर सकता है। इस टैंक में लगा है टैक्टिकल लिंक मैनेजमेंट सिस्टम जो कि इसके साथ जो ड्रोन्स है उनके साथ भी ये कोऑर्डिनेट करता है, उनको उनसे डेटा लेता है, उनको डेटा भेजता है। इसके अलावा बता दें कि अर्माटा जो है वो पहला स्टेल्थ टैंक है जिसने अपने श्रेणी के तमाम टैंकों को जो है अपने नीचे ला दिया है। आपको बता दें कि रूस जो है खास तरह के इन टैंकों का निर्माण कर रही है ताकि युद्ध के मैदान में ये दुश्मन को दबा सकें। इसके अलावा इस टैंक में अफगनाइट प्रोटेक्शन सिस्टम लगा है। इसके अलावा जो नया टैंक है वो किसी भी एंटी टैंक शेल के या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को आसानी से इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। इसके अलावा ये जब भी ऐसे कुछ अपनी तरफ खतरे को आते देखता है तो ये आसानी से अपने आसपास के इलाकों में धुआं जैसे टैंक्स अपने आप को बचाने के लिए करते स्मोक छोड़ते हैं, ये छोड़ सकता है। रशिया इन खास तरह के हथियारों को इसलिए अपने बेड़े में शामिल कर रहा है क्योंकि आने वाले वक्त में तमाम जो देश हैं वो अपने आप को हथियारों के लिहाज से बहुत अपग्रेड कर रहे हैं, तो इस कड़ी में रशिया भी अपने आप को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर रहा है। और ये तमाम हथियार हैं रशिया के बेड़े में, इन तमाम हथियारों की जो पूरी आपूर्ति है वो साल 2027 तक होगी, लेकिन इसकी शुरुआत जनवरी 2022 से हो जाएगी, जिसके बाद ये लगभग तय हो गया है कि सबसे जो खतरनाक इन तीनों श्रेणियों में जो था वो था MiG-31, वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ, वो अब दुनिया को जल्द देखने को मिल सकता है।